डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की। साल दो छात्रों का यूजीसी नेट और एक छात्र का जेआरएफ। प्रदर्शनकारी कलाएं नृत्य नाट्य रंगमंच में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के अध्यापन के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष की तरह साल भी तीन छात्रों का यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ। इसमें अजीत का जेआरएफ, नरेन्द्र सिंह तुषार का यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ। दोनों एक साल से डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि यह अवसर छह महीने पहले ही आ जाता, लेकिन कोविड के कारण इन छात्रों को अध्ययन का समय और मिल गया। लगातार दोनों विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुई और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में संपूर्ण देशभर से 32 से अधिक शोधार्थियों ने यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास की है। इसमें उनके द्वारा लिखित पुस्तकें एकादश नाट्य संग्रह, रंगदृष्टि, यूजीसी नेट नृत्य नाट्य रंगमंच, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भाग एक और भाग दो, संपूर्ण भारतवर्ष की पहली यूजीसी नेट की पुस्तक लिखी है, जिनका इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है। हिमांशु द्विवेदी ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और रोजगार उन्मुख की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। छात्र अजीत, नरेन्द्र, तुषार ने सफलता का श्रेय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को दिया। उन्होंने कहा कि हिमांशु सर की मेहनत, उनकी पढ़ाई और किताबों के दम पर आज हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ये हम कलाकारों के लिए अति महत्वपूर्ण और कठिन परीक्षा होती है। इसे पास करना हमारे लिए गौरव की बात है। चौहान है, मैं राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर से थिएटर में एमए कर चुका हूँ और यहाँ का मैं टॉपर रहा हूँ। साथ ही मैंने 2021 में यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है मेरे गुरु डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत मेरे लिए मेहनत की, मुझे सिखाया, समझाया, पढ़ाया और मैं गुरुजी के हर बताए हुए निर्देशन का पालन करता रहा, मेहनत करता रहा, बताए हुए मार्गदर्शन पर चलता रहा और उसी का परिणाम रहा कि मैं इस बार यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। हर साल की तरह इसी साल भी मेरे सर के मार्गदर्शन में मैं छात्र रहा हूँ यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वाला, और जो इतनी बड़ी मेरे लाइफ में जो सफलता मुझे मिली है उसका पूरा श्रेय मैं अपने गुरु डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर को देना चाहूंगा, जो मैं यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अजीत सिंह कश्यप है, मैं दतिया का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी मास्टर डिग्री राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी से की है। मैंने अभी हाल ही में 2020-2021 के यूजीसी नेट एग्जाम में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट जेआरएफ दोनों को क्रैक किया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया है और मेरी पढ़ाई में बहुत सहयोग किया है मेरे, और मैंने उन्हीं की बुक से पढ़ा है और पेपर वन की तैयारी मैंने अनअकैडमी से की है। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई, किस प्रकार से मैंने पढ़ाई की। सबसे पहले मैं क्या करता था कि कोशिश करता था कि रोज 10 घंटे तो पढ़ सकूँ, लेकिन क्या है कि रोज 10 घंटे पढ़ नहीं सकते थे, रोज नहीं हो पाता था। इस वजह से मैं कोशिश करता था कि 6-7 घंटे मैं रोज पढ़ सकूँ, जिससे मैं पढ़ाई करता था। सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह पढ़ने का। मैं 3 घंटे पढ़ता था और बाकी फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता था, फिर उसके बाद फिर पढ़ता था। और मैंने इसमें क्या किया कि मैंने रोज पढ़ा, रोज पढ़ने की वजह से मेरा ये नेट जेआरएफ क्रैक हुआ। मैं इसका श्रेय हिमांशु सर को देना चाहूँगा, इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई और मेरा नेट जेआरएफ हो पाया। मैं रोज अपना एक नया टास्क बनाता था और उस टास्क को रोज मैं पूरा करने की कोशिश करता था। छोटे छोटे टास्क बनाए मैंने और इसके ऊपर पढ़ाई करना चालू किया, जिसकी वजह से मेरा नेट निकल पाया जेआरएफ के साथ। नमस्कार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे चार विद्यार्थियों का नेट जेआरएफ की परीक्षा उन्होंने पास की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रम हर बार बन गया है। इस सत्र में अजीत सिंह ने प्रथम प्रयास में ही जेआरएफ की परीक्षा प्रयास की और कुछ नंबरों से जेआरएफ नरेंद्र का रह गया, उनका नेट क्वालिफाई हुआ। और तुषार वर्मा, इनका भी यूजीसी नेट नाट्य एवं रंगमंच संकाय से हुआ है। ये हमारे विभाग के लिए बहुत गौरव और हर्ष की बात है कि पिछले लगातार 5 सालों से हम लगातार 3 से 4 विद्यार्थी हमारे विभाग से यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और आज ये संख्या विभाग की अगर देखें तो लगभग 12 से 13 है और संपूर्ण भारतवर्ष में अगर देखें तो 32 से 33 स्टूडेंट
मेरे अंदर यूजीसी नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा पास कर चुके हैं और मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को, विभाग के छात्रों को देता हूं, क्योंकि जिनकी मेहनत, लगन और साथ में जो गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने इस विषय की संपूर्ण भारतवर्ष की पहली किताबें लिखी, रंग दृष्टि, एकादश नाट्य संग्रह और नृत्य नाट्य रंगमंच वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, यूजीसी नेट भाग एक और भाग दो, उनसे काफी सफलता प्राप्त उन बच्चों को हो रही है। तो इसी तरह से मैं अपने विद्यार्थी जो हैं नाट्य एवं रंगमंच संकाय, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा भी करता हूं कि प्रतिवर्ष ये कारवां चलता रहेगा और रोजगारोन्मुखी जो रंगमंच की शिक्षा है उसकी तरफ हमारे बच्चे प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।